हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक क्या है। सो यस, वी आर शिफ्टिंग अवर होम वेरी सून, और जो घर में अभी आपको दिखाने वाली हूँ हम उसमें मूव इन कर रहे हैं। क्या है, कैसे है, क्यों है, कब हुआ, ये सब कुछ उसके लिए आपको इसके बाद वाला वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज ये वीडियो स्पेसिफिकली फॉर अ होम टूर है। जो हमारा नया घर है उसके टूर वगैरह मैं आपको सब दूंगी, और या लेट्स गो, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस। एंड पूरा मूव इन व्लॉग एंड पूरा मेरी जो पूरी जर्नी रहने वाली है वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। सो या विदाउट फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द सो दिस इज अवर न्यू सोसाइटी। एंड आई नो अभी मैंने काफी दिन से व्लॉग्स नहीं डाले हैं, आप लोग अपडेटेड नहीं है कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है, तो वो सबके लिए व्लॉग्स आने वाले हैं, आप नेक्स्ट व्लॉग्स जरूर चेक करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग हमारी नई सोसाइटी में एंटर हो रहे हैं, हमारे नए घर में एंटर होने वाले हैं। एंड वेलकम टू आर न्यू होम। तो सबसे सामने जो आपको दिख रहा है वो दिया है। एक्चुअली इस दिन जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही थी उस दिन हमने कलश यहाँ पर रखा था। इन शॉर्ट आप बोलो तो गृह प्रवेश आप बोल सकते हो। सामान अब हम इसके बाद कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमने प्रॉपर मुहूर्त वगैरह देख करके पूजा करी थी, कलश वलश रख दिया था। सो ये है हम लोगों का नया घर। इसके जो वॉल्स का कलर है लिटिल वॉर्म वाइट टाइप का शेड है, एग्जैक्टली जो मेरा पहले वाला स्नो वाइट कलर था वैसा नहीं है ये। एंड सामने बैल्कनी है, दिस इज़ द हॉल। एंड यहाँ पर हर रूम में, हर किचन में सब जो कि बैल्कनी दी हुई है, जो कि एक बड़ा ही प्लस पॉइंट था हमारा इस घर को देख करके। सो ये है हॉल, एंड काफ़ी अच्छे साइज़ में ये घर है, काफ़ी स्पेशियस है। ये है डाइनिंग एरिया, हम लोगों को एल शेप का प्रेफरेबली चाहिए था लिविंग रूम, ताकि उसमें डाइनिंग एरिया एक अलग से दिया हुआ हो। सो यस, ये है डाइनिंग एरिया, एंड यहाँ से आप एंटर होते हो। सो लेफ्ट साइड से रूम आता है, राइट हैंड साइड पे डाइनिंग एरिया आता है। अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं, तो यहाँ से जैसे ही आप अंदर जाते हैं लेफ्ट साइड में आप टर्न होंगे तो यहाँ पर किचन है। तो ये जो किचन है दिस इज़ इन द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड पर्पल। सो ये वाइट एंड पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन में है, एंड जो हमारा प्रीवियस किचन था उससे काफ़ी बड़े स्पेस में है। यहाँ सामने बैल्कनी दी हुई है, एंड साथ ही साथ वॉश एरिया भी वहीं पर इंक्लूडेड है, एंड वॉशिंग मशीन का अलग से एरिया दिया हुआ है। एंड देन फिर यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक प्लेटफॉर्म ये है जो कि बड़ा प्लेटफॉर्म है, और दूसरा प्लेटफॉर्म ये है जो कि छोटा प्लेटफॉर्म है। एंड यहीं पर हम लोगों ने पूजा स्थापना करी थी। सो इस घर को वास्तु के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें देख करके ही फाइनलाइज किया था। कमिंग टू द स्लैब्स, यहाँ पर जो स्लाइडिंग स्लैब्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं एंड काफ़ी स्पेशियस हैं। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू ऑर्गेनाइज और इसको डेकोरेट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। एंड इसकी जो जर्नी है वो आपको कल से देखने को मिलेगी, हमारी शिफ्टिंग जर्नी एंड एवरी थिंग। सो येस, आई एम सुपर डूपर एक्साइटेड। सो यहाँ पर ये स्लाइडिंग स्लैब्स हैं। उसके बाद आते हैं इसके साइड वाले जो कबर्ड्स हैं, उसमें कबर्ड स्टाइल वाला दिया हुआ है। सो उसको हमको थोड़ा सा चेंजेस करवाना है, कारपेंटर से बोल करके दो तीन यहाँ पर स्लैब्स वगैरह लगवाने हैं, क्यों तो वो हम तब करवाएंगे ऑब्वियसली जब हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे सामने ही सारी चीज़ें और जो काम है वो करवाएंगे। एंड ये इस तरह से है, नॉर्मल सिंपल सा कबर्ड दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद दूसरा जो कबर्ड है वो ये है, ये दिया हुआ है, स्पेस तो बहुत सारा है, बट हाँ अगर इसको ढंग से ऑर्गेनाइज करके एंड चीज़ें करवाएंगे तो ऊपर स्लैब्स बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही ऊपर के स्लैब की ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज दिस इज़ क्वाइट स्पेशियस। एंड अब आगे आते हैं राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर वॉशरूम है, वॉशरूम की साइज़ काफ़ी बड़ी है। उसके सामने ही ये सेकेंड बेडरूम है, सेकेंड बेडरूम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी बिग। जो हमारा अभी प्रीवियस जिसमें भी हम रह रहे थे, करंट वाले घर का जो उसका मास्टर बेडरूम है, उतना बड़ा इनका यहाँ पे सेकंड बेडरूम है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एरिया दिया हुआ है, छोटी बैल्कनी आप बोल सकते हो, छोटी सी है बट हाँ है बैल्कनी, स्लाइडिंग वाली है, आप यहाँ पर आराम से प्लांट्स वगैरह रख सकते हो। एंड ये है बाहर का व्यू जो कि बड़ा ही सुंदर है, काफ़ी सारी ग्रीनरी भी है, एंड बिल्कुल पास पास बिल्डिंग्स नहीं है। जो यूजुअली मुंबई के घरों में ऐसा होता है कि बहुत पास पास बिल्डिंग्स होती हैं तो हवा नहीं आती है, वेंटिलेशन अच्छे से नहीं होता है। अब हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम में। तो मास्टर बेडरूम जो राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉशरूम है, उसके बाद यहाँ पर ये स्लाइडिंग कबर्ड वगैरह बना हुआ है, एंड सामने आप देखेंगे तो बड़ी सी विंडो है स्लाइडिंग वाली, एंड अगेन वहाँ पर बैल्कनी ही है। तो सब पूरे जितने भी घर हैं ये सब ईस्ट फेसिंग है, मतलब सुबह से यहाँ पर बहुत अच्छी सनलाइट आएगी, तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था। ये था हम लोगों का नया घर, रियली एक्साइटेड टू शेयर माई जर्नी विथ यू ऑल। तो आई होप आपको हमारा नया घर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।